दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वो इस देश का तो दूर की बात है, वो इंसान नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नज़दीक रूप से बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमाम ही चीज़ों के ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है और ये सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर निकल कर सामने आ रही है। नफरत पसंद लोग जो है वो अब बड़ी बड़ी बारगाह को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको एक लेटर लिखा है और ये बात लिखी है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहाँ पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, जबकि हम जानते हैं कि ये बारगाह सदियों पुरानी है और यहाँ से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई ये भी है कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो है वो हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहाँ आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें मुरादें भी यहाँ पूरी होती है। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊँट को ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वो कैसे उकाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला ले, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन इस देश के जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान हैं, वो कभी भी ऐसी चीजें होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमनो अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वो शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वो चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर मजहब के अंदर 2-4% लोग ऐसे जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वो अमनो अमान और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरी आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगा कि आप तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वो अपना काम शुरू करने से पहले यहाँ जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वो अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि सच्चाई ये भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई है
जो कि अमन पसंद है, जो कि भाईचारा चाहते हैं। वो इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। और यकीनन वो भी कभी नहीं चाहते कि खाजा गरीब नवाज की दरगाह इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाहों को भी टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद लोग हैं वो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन ये लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है और इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, खाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये एक करामाती दरगाह है, क्योंकि खाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं है। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहाँ मुराद पूरी होती है। अकबर बादशाह भी यहाँ आया था अपनी मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता करे, और अल्लाह ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नियामत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में ये बहुत बड़ी बारगाह है और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी ही कोशिश कर ले, मगर वो खाजा गरीब नवाज की दरगाह का बाल भी बाका नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हमें इस बात पर पूरा यकीन है। दोस्तों, सैलाब की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया था और लोगों के जानो माल का भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इलाकों की बिगड़ती हुई हालात को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग कश्तियों के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। ये पानी जब अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का एक ऐसा करिश्मा दिखा कि वहां पर मौजूद सारे ही लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मजार पर आए हर एक हिंदू भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। दोस्तों, गरीब नवाज की इस करामात ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का ये करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। ये राजस्थान का एक बहुत ही बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाही अलैह है। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और ये मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ही खास था, और इस मंदिर के पास ही एक तालाब भी था जिसको आज हम और आप अना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहात इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह उस मंदिर के पास चले गए और अनासागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए, और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से आजान देने को कहा। कुफ्र सिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे आजान की आवाज़ को सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। अब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहाँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो ना माने और जिद करते रहे कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे,
तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाही अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों की बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए ले जाने लगे, तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं थी। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि वो फकीर कोई काबिल जादूगर है, और किसी ने कहा कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। आप जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन उठ गए, और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ मुसाफिर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर है, इसलिए उन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतने आदमी आते हैं, हमारे पानी पी लेते हैं, कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, जाओ एक मस्कीजे में पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मस्कीजे से पानी भर लेते हैं। वो इस शर्त पे मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मस्कीजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो मस्कीजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मस्कीजा पानी से बाहर आया तो अना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अना सागर का सारा पानी मस्कीजे में बंद हो गया हो। अना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया, और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और अनासागर में घुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अनासागर को सुखा दिया। राजा ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से, उसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा कर लेते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वो क्या चाहता है? अगर उसकी ज़रूरत खाने पीने की चीज़ें होंगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरत और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए, हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे। ये काम ज्यादा आसान था, लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया
जाओ कुतुबुद्दीन, मस्कीजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मस्कीजा तालाब में उल्टा गया तो आना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीख की किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म काबिलियत के दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह ने उसकी तरफ आँख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे वो देखते ही रह गए, हैरान और परेशान थे कि क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वो हार चुका है। पंडित रामदेव खुद खाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उन्हीं की हो जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर कई मकानात पानी में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामात दिखी कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामात है, जिसने देखने वालों का ईमान ताज़ा कर दिया। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामाते हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को जितना हो सके सवाब की नीयत से उतना शेयर कर दे। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।